जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिनांक 27 मई 2024 को प्रदेश के मॉडल स्कूलों अर्थात सीएमएलएच विद्यालयों में कक्षा 11वीं प्रवेश किस प्रकार से होगा, इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे, पुनः तदनुसार ही प्रदेश के सभी मॉडल स्कूलों अर्थात सीएमएलएच विद्यालयों में कक्षा 11वीं प्रवेश प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। पहली बात, वे विद्यार्थी जिन्होंने जो है कक्षा 10वीं की परीक्षा मॉडल स्कूल से पास की है और जिन्होंने कक्षा 10वीं में 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मॉडल स्कूल में कक्षा 11वीं प्रवेश दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जो है मॉडल स्कूल से कक्षा 10वीं की परीक्षा तो पास की है परंतु उन्होंने जो है 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको जो है मॉडल स्कूल की कक्षा 11वीं की परीक्षा में कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे लिखा है कि क्रमांक 1 से की गई व्यवस्था अनुसार प्रवेश देने के बाद यदि सीटें खाली रहती हैं और प्रत्येक विषय के लिए कम से कम 100 सीटें निर्धारित हैं, यदि 100 सीटें मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों से नहीं भर पाती हैं तो जो स्थानीय विकास खंड है उसके जो अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनको जो है प्रवेश दिया जाएगा। और उनको प्रवेश जब दिया जाएगा जब जो है कक्षा 10वीं की परीक्षा में उन्होंने जो है 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और उनको जो है प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि मॉडल स्कूल में कक्षा 10वीं में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में प्रवेश लेना होगा, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जो है मॉडल स्कूल में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10वीं में 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं उनको जो है अन्य स्कूलों में प्रवेश लेना होगा, उनको जो है कक्षा 11वीं में मॉडल स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि आप जो हैं कक्षा 11वीं में मॉडल स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप जो है 1 जून से जाकर मॉडल स्कूल से प्रवेश फार्म प्राप्त कर लें और प्रवेश फार्म को निर्धारित समय सीमा में विद्यालय में जमा कर दें, जिससे आपका प्रवेश जो है कक्षा 11वीं में मेरिट के अनुसार पर हो सके। आपको जानकारी पसंद आई हो तो जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।